बीरबल की खिचड़ी की कहानियाँ। रात्रि भोज के उपरांत बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर यमुना तट पर टहल रहे थे। उनके साथ सुरक्षा हेतु कुछ सैनिक भी थे। वो जनवरी का महीना था और दिल्ली में शीतल लहर वहाँ रही थी। कंडके की ठंड में यमुना नदी का जल बर्फ के समान ठंडा हो चुका था। अकबर को जाने क्या सूझी कि उन्होंने अपनी उंगली यमुना के जल में डाल दी। ठंड का एहसास होने ही उन्होंने फौरन अपनी उंगली जल से बाहर निकाली और बोले, बीरबल, इस मौसम में यमुना का पानी बर्फ के समान हो जाता है। इसमें एक उंगली डालना मुश्किल है। यदि किसी को इस पानी में थोड़ी देर भी रहना पड़ जाए तो वो जीवित नहीं बचेगा। क्यों, क्या कहते हो? बीरबल की सोच अकबर के विपरीत थी। वह बोला, मैं आपकी बात में सहमत नहीं हूँ हुजूर। इच्छा शक्ति हो तो मनुष्य कुछ भी कर गुजरता है। यमुना की पानी में कुछ देर कड़ा रहना तो बहुत ही छोटी बात है। हम तुमसे इत्तफाक नहीं रखते बीरबल। इन दिनों यमुना के पानी में कोई कड़ा हो ही नहीं सकता। अकबर बीरबल की बात मानने को कतई तैयार नहीं थे। तो आजमा कर देख लीजिए जहपाना, कोई ना कोई ज़रूर होगा जो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ये कर जाएगा, बीरबल विश्वास के साथ बोला। तो ठीक है, कल पूरा राज्य में मुनादी करवा दी जाए कि जो कोई भी पूरी रात यमुना के पानी में कमर तक डूब कर कड़ा हो रहेगा उसे 200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी, अकबर तेश में आकर बोले। अगले दिन अकबर का आदेश पूरे राज्य में प्रस्तारित करवा दिया गया। कुछ दिनों तक यह चुनौती स्वीकार करने वाला कोई सामना नहीं आया। कोई साहस नहीं कर पा रहा था कि पूरी रात यमुना के ठंडे जल में कमर तक डूबकर कड़ा रह सके। अकबर के राज्य में एक निर्धन धोबी भी रहता था। उसकी माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब था, किंतु पैसा की तंगी के कारण वह उनका इलाज नहीं करवा पा रहा था। जब उसने यह मुनादी सुनी तो पैसों के लिए यमुना में कड़े होने की चुनौती स्वीकार कर ली। वह रात भर अकबर के सैनिकों की निगरानी में यमुना में कमर तक पानी में डूबकर कड़ा रहा। बोर होते ही सैनिक उसे लेकर अकबर के सामने हाजिर हुए। अकबर के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था। उन्होंने धोबी से पूछा, तुम सारी रात यमुना के पानी में कैसे कड़े रह जा पाए? जापाना में रात पर आपके महल में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह पूरी रात गुजर गई, धोबी बोला। ये सुनकर अकबर का पारा चढ़ गया और वे विफ्रते हुए बोले, हाँ तो तुम सारी रात महल के दीपक से गर्मी लेते रहे, ये तो तुमने बेईमानी की है। तुम इनाम के नहीं बल्कि सजा के हकदार दो सैनिकों इस बंदी बना लो। निर्धन धोबी को कारागर में डाल दिया गया। जब ये बात बीरबल को पता चली तो वो बड़ा दुखी हुआ। उस दिन वह दरबार नहीं गया। दरबार से बीरबल को नदारत पाकर अकबर ने एक सैनिक को उसे बुलवाने उसके घर भेजा।
सैनिक ने वापस आकर अकबर को बताया कि बीरबल ने भोजन नहीं किया है, वह खिचड़ी बना रहा है, खाकर वह दरबार में हाजिर हो जाएगा। समय गुजरता गया, सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुआ। बीरबल कभी ऐसा नहीं करता था। बीरबल की ये हरकत अकबर की समझ के बाहर थी। शाम को वह स्वयं सैनिकों सहित बीरबल के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि बीरबल अपने घर के आंगन में चरपाई डालकर लेटा हुआ है। पास ही एक पेड़ के नीचे आग जल रही है और ऊपर कड़ा लटका हुआ है। यह नज़ारा देख अकबर हैरत में तो पड़े ही, साथ ही क्रोधित भी हुए। क्रोध में लाल पीले होते हुए उन्होंने बीरबल से पूछा, ये क्या है बीरबल, तुम अब तक दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुए? मैंने खबर भिजवाई थी जापाना कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, खाकर दरबार में हाजिर हो जाऊँगा। देखिए, सामने पेड़ पर लटके कड़े में खिचड़ी पक रही है। पेड़ पर लटके कड़े की ओर इशारा कर बीरबल ने उत्तर दिया, ऐसे कोई खिचड़ी बनाता है? पेड़ के नीचे जल रही आग से ऊपर लटके कड़े की खिचड़ी कैसे पकेगी? अकबर चिल्लाए। जब यमुना में कड़े धोबी को इतने दूर स्थित महल में जल रहे दीपक से गर्मी मिल सकती है, तो इस तरह भी खिचड़ी पक सकती है हुजूर? यह तो आग उस दीपक की तुलने में निकट ही है, बीरबल झट से बोला। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। वे समझ गए कि बीरबल ने ये स्वहंग उन्होंने धोबी के साथ हुए अन्याय की बात समझाने के लिए किया है। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। सैनिकों से कहकर उन्होंने धोबी को कारागार से बाहर निकलवाया और उसे इनाम की 200 स्वर्ण मुद्राएं दी। इस तरह बीरबल ने अपनी अकलमंदी से एक निर्धन धोबी के साथ अन्याय नहीं होने दिया।